बाढ़ की विनाश लीला देख कांप उठी रूह, दहशत में लोग। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। बता दें कि श्रावस्ती जनपद में राप्ती बैराज पर स्थित रहा राप्ती नदी का जल स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। शुक्रवार शाम 4 बजे से राप्ती का जल स्तर फिर बढ़कर 129.10 मीटर पहुँच गया। इसके चलते जिन गाँवों में मार्गों से बाढ़ का पानी कम हो रहा था, वहाँ एक बार फिर बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। इतना ही नहीं, मनकापुरी के मजरा रामनगरा में राप्ती की लहरें गांव के में तेजी से कटान कर रही है। ऐसे में ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर मार्ग किनारे डेरा जमाए हुए हैं। इससे पहले बीते 24 घंटे से नदी अपने उच्चतम स्तर जल स्तर 129.0 मीटर पर बह रही थी। ये खतरे के निशान से 130 सेंटीमीटर ऊपर था। राप्ती की धारा भी शुक्रवार को बदलती हुई देखी गई। पानी का दबाव मूल नदी के साथ साथ लक्ष्मण नगर की ओर है, जिसके चलते फोर लाइन में दरार देखी जा रही है। कई स्थानों पर पानी फोर लेन के ऊपर तक आ गया है तो कई स्थानों पर आवागमन बाधित है। NDRF व फ्लड PSC बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जबकि अधिकारी आपदा को नियंत्रण करने में लगे हैं। राप्ती नदी इस समय उच्चतम जल स्तर के कारण रास्ता भी काट रही है। नदी का रुख मौजूदा समय में लक्ष्मण नगर की ओर है। पानी के दबाव के कारण लक्ष्मण नगर के पहले फोर लाइन पर बना पुल का अप्रोच दरक गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि 2014 में इस स्थान पर राप्ती नदी ने अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ के पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। नदी फिर से इसी स्थान पर दबाव बना रही है। यदि दबाव और बढ़ा तो नदी का ये नया रास्ता होगा। फोर लाइन के ऊपर बह रहा पानी नदी का जल स्तर विगत 24 घंटे में खतरे के निशान से 130 सेंटीमीटर ऊपर है, जिसके कारण तिलकपुर व रत्नापुर के पास बाढ़ का पानी फोर लाइन के ऊपर से बहने लगा है। इन्हीं स्थानों पर पटरी भी कट रही है। आने जाने वालों को प्रशासन ने सावधान किया है कि वो पटरी के निकट वाहन न चलाएं। कई तरफ आवागमन बाधित, बाढ़ के चलते भिनगा तेंदुआ मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। अवरुद्ध तेंदुआ मार्ग तेंदुआ गांव के पास बने डीप व भिनगा जंगल में है। ये पानी सड़क के ऊपर तेज रफ्तार में बह रहा है। ऐसे ही भिनगा मल्लीपुर में मार्ग पर मधुआ पुल के पास पानी सड़क से कई फीट ऊपर है। इससे ये पता चल पा रहा है कि नीचे सड़क है या फिर क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसा ही बहराइच मल्लीपुर शिकारी चौड़ा के पास भी सड़क अवरुद्ध है, जिसके आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हैं। यही स्थिति राप्ती बैराज से भिनगा रोड का है, जहां वर्गा के पास बने डीप पर करीब 4 फीट ऊपर तेज रफ्तार से पानी बह रहा है, जिससे ये मार्ग भी पूरी तरह से बंद है।